आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी ड्राई द रेजिंस विद ब्लॉटिंग पेपर जेंटली आफ्टर टेकिंग देम आउट ऑफ वाटर। ओके, मतलब रेजिंस को हम क्यों, मतलब जब हम रेजिंस को वाटर में सोक करते हैं, ओके, या फिर भिगोते हैं, तो फिर इसके बाद रेजिंस को हम क्यों ब्लॉटिंग पेपर से जेंटली हम ड्राई करते हैं, ठीक है? तो यही हमको रीजन क्या है इसके पीछे, यही हमको बोलना होगा। ओके, सो रेजिंस मतलब क्या है ना, किशमिश। सो बेसिकली क्या होता है ना, रेजिंस में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रेजिंस को हम पहले क्या करते हैं ना, पहले तो हम रेजिंस लेते हैं और फिर इसको हम वे करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद रेजिंस को हम एक वाटर के बीकर में ये सब रेजिंस रख देते हैं, ठीक है? सो पहले तो हम रेजिंस को लेते हैं और फिर वे करते हैं, वे इट। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं ना, हम रेजिंस को हम प्लेस करते हैं, रेजिंस को हम प्लेस करते हैं कहाँ पर ना, इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। ओके, जिसमें वाटर हो, ऐसे बीकर में वाटर डाल के हम उसमें रेजिंस को हम रख देते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं ना, कुछ देर बाद हम, या फिर एक दिन के बाद हम रेजिंस को फिर रिमूव करते हैं और हम फिल्टर पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर पे रख के थोड़ा सा हम लोग ड्राई कर लेते हैं, ठीक है? देन द रेजिंस आर टेकन आउट। ओके, रेजिंस आर टेकन आउट एंड प्लेस्ड इन द फिल्टर पेपर पे हम, या फिर फिल्टर या फिर हम बोल सकते हैं ब्लॉटिंग पेपर। ओके, फिल्टर या फिर ब्लॉटिंग पेपर पे हम रखते हैं एंड इसको हम थोड़ा सा जो आउटर जो सरफेस है रेजिंस का उसको हम ड्राई कर लेते हैं, ठीक है? एंड इट इज ड्राइड। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं ना, हम जो रेजिंस को हम जब वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है ना, रेजिंस थोड़ा सा फूल जाता है, ठीक है, स्वोलन हो जाता है। तो एंड देन वी विल वे द रेजिंस। ओके, जो रेजिंस जो है उसका हम फाइनल वेट निकालते हैं, ठीक है? सो हम जनरली हम ये जो ड्राई जो हम करते हैं ये क्यों करते हैं, बिकॉज टू रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द रेजिन। ओके, टू रिमूव वाटर फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ रेजिंस। ओके, क्योंकि अगर वाटर रहेगा, ठीक है, पानी अगर रहेगा इसका आउटर सरफेस में, तो क्या हो जाएगा ना, हमारा जो वेट, हम फाइनल जो वेट हम कर रहे हैं रेजिंस का, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द रेजिन और एल्स इट विल चेंज द फाइनल वेट। ओके, जो फाइनल जो वेट है ये फाइनल वेट को चेंज कर देगा, इसलिए हम जो वाटर जो रहता है, थोड़ा सा भी अगर वाटर हो आउटर सरफेस पे, इसलिए हम बीकर से निकल के हम लोग रेजिंस को हम फिल्टर या फिर ब्लॉटिंग पेपर में रख के एक बार सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद हम वे करते हैं रेजिंस को। क्योंकि अगर हम वाटर के साथ अगर हम वे करेंगे तो वाटर का भी तो कुछ वेट आ जाएगा ना उसमें, तो इसलिए वो ना हो, इसलिए हम जो वेट जो ब्लॉटिंग पेपर है या फिर फिल्टर पेपर में रख के थोड़ा सा हम इसको सुखा लेते हैं, फिर इसके बाद हम वे करते हैं। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड ड्राइंग द रेजिन विद द ब्लॉटिंग पेपर आफ्टर टेकिंग देम आउट ऑफ द वाटर। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।